दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, यूं तो कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों में रहती हैं अपनी बातों को लेकर। कभी कुछ कुछ ना कुछ चलता ही है। कुछ लोगों के लिए वो सही होता है, कुछ लोगों के लिए वो गलत भी होता है। कुछ उनके साथ खड़े होते हैं तो बहुत कुछ उनके अपोजिट भी खड़े होते हैं। ऐसी चीजें हमेशा दिखाई देती हैं। लेकिन अब क्यों कंगना रनौत का नाम एक बार फिर सामने आया? जी हाँ, हिमांशी खुराना को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। क्यों, वाई, क्यों ब्लॉक किया है हिमांशी खुराना को? चलिए आपको बताते हैं। किसान आंदोलन, जी हाँ, प्रोटेस्ट जो चल रहा है जिसमें किसान दिल्ली में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली आना है, अपनी बात रखना वो चाहते हैं और गवर्नमेंट आने नहीं देना चाहती, और दिल्ली की बॉर्डर पर ही बाहर ही रोका हुआ है। ये जो सारा मामला है, ये सारी चीजें हैं। अब इस पर कुछ दिनों पहले, बीते दिनों, कंगना रनौत ने जो है एक ट्वीट किया था, जिसे उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट बाद डिलीट भी कर दिया। किसी ने उन्हें कहा या जो भी व्हाटएवर हुआ, लेकिन उन्होंने डिलीट किया। लेकिन जब तक उन्होंने डिलीट किया, काफी लोग देख चुके थे। किसानों को कहीं ना कहीं धक्का भी लगा ये देखकर कि कंगना ने कुछ ऐसी बात की है। अब भाई, यहाँ पर जो है हिमांशी खुराना ने भी कंगना रनौत को टैग करते हुए ट्वीट किया कि जो है ये काफी शेमलेस है और आप क्या स्पोक पर्सन बनने की कोशिश कर रही हैं? और आपका घर गिरता है तो गिरता है और आप उसके लिए खड़ी होती हैं, बोलती हैं, लेकिन जब बात किसी और के घर पर आए तो वो बोले भी ना। यानी किसानों की जो भी बात है उसके लिए उन्होंने, हिमांशी खुराना ने कहा कि जब किसी और के घर पर बात आए तो वो नहीं बोल सकता, वो बोले भी ना, और ये काफी शेमलेस है। ये शेमलेस काम है, ये शेमलेस चीजें हैं जो आप कर रही हैं। ऐसी चीजें उन्होंने लिखी और ब्लॉक किया है हिमांशी खुराना को। ये भी हिमांशी खुराना पंजाबी लैंग्वेज में खुद ही बताती हुई नजर आई हैं, ब्लॉक किता और ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है पंजाबी भाषा में। और उन्होंने खुद बताया है कि कंगना रनौत ने उन्हें ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक करने से होगा क्या साथ में, ये भी, क्योंकि काफी सारे पंजाबी इंडस्ट्री से आने वाले सिंगर और एक्ट्रेस और भी हैं, एक्टर एक्ट्रेस और भी हैं, जिन्हें कंगना रनौत ने ब्लॉक किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें, ये बात जो कंगना ने उठाई थी वो हर्ट कर गई है लोगों को, पंजाबी इंडस्ट्री से आने वाले लोगों को या फिर कुछ किसानों को, और इस तरह से, क्योंकि उनकी अपनी चीजें हैं, अपनी मांगे हैं, उनका अपना नजरिया है, सब कुछ है। और ये देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ सबको अपने थॉट्स रखने का अधिकार है, तो वहीं हिमांशी को भी जो लगा, हिमांशी ने भी अपने थॉट्स रखे, लेकिन कंगना रनौत को ये रास नहीं आया और उन्होंने कर दिया है हिमांशी खुराना को ब्लॉक, जो कि हिमांशी खुराना ने खुद बताया है। अब भाई, इसमें आपको क्या लगता है कि कंगना रनौत ने अपने विचार व्यक्त किए, हिमांशी खुराना ने अपने व्यक्त किए, तो इस पर, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं, लोगों को लगता है इसमें ब्लॉक करने वाली क्या बात है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ठीक है, उनकी मर्जी, उनका सोशल मीडिया, उनकी लाइफ, उन्होंने कर दिया। आप किस फेवर में हैं? आपको क्या लगता है कि हिमांशी ने बिल्कुल ठीक कहा था और जो है ब्लॉक नहीं करना था, और एक सेलिब्रिटी होकर छोटी छोटी बातों पर किसी को भी उठाकर ब्लॉक कर देना, जो कि आजकल काफी ज्यादा ब्लेम गेम सा हो गया है, तो वो काफी अनमैच्योर सा लगता है, नहीं करना था या फिर ठीक किया उन्होंने? क्या कुछ लगता है कॉमेंट में बताइए, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आगे भी खबरों को देखने के लिए। टिल देन, बाय बाय।